Good morning, students. Let's start our next topic. Our next topic is insect eating plants. Insect eating plants मतलब वो plants जो insect को खा जाते हैं, जो carnivorous plant होते हैं. Okay, तो आज की date आप लोग लगाइएगा. चलिए पढ़ते हैं. Some plants eat insects too. Unscrabble the word to find the names of these carnivorous plant. Pick your answer from the help box. ठीक है, तो कुछ plants जो है वो carnivorous होते हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे. यहाँ पे जो green color में दिया हुआ है ये unscrambled है, मतलब ये jumbled words, इनकी spelling उल्टी सीधी करके यहाँ पे लिखी हुई है. हमें सीधी करके लिखनी है यहाँ पे, जो मैंने पहले से यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है वैसे यहाँ पे ग्रीन लाइन में आंसर्स दिए हुए हैं. ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं. फर्स्ट वाला है, द लीव्स ऑफ दिस प्लांट लुक लाइक पिक्चर्स विद अ फ्लैप दैट पार्शली कवर द टॉप. इंसेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टू द शुगर टेल ऑफ नेक्टर, हाउ एवर वंस दे आर इनसाइड दे आर ट्रैप्ड. इसका आंसर है पिक्चर प्लांट. तो ये देखो, आपको इसकी पिक्चर दिखाई दे रही है यहाँ पे. अब क्या इसमें बताया गया है, ये जो टेल दिखाई दे रही है ना इसकी, इससे क्या होता है, और ये वाली जो दिखाई दे रही है इसमें नेक्टर होता है. ठीक है ना, तो नेक्टर किस लिए होता है इसके अंदर, मतलब कुछ जूस होता है मीठा, जिससे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं. फिर अट्रैक्ट होने के बाद में क्या होता है, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रैप दैट पार्शली कवर द टॉप. इंसेक्ट्स आर अट्रैक्ट टू द शुगरी टेल ऑफ नेक्टर. ठीक है, वंस दे आर इनसाइड दे आर ट्रैप्ड. जैसे इसकी शुगर की तरफ, ये टेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, शुगरी टेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जैसे इसके ऊपर चढ़ते जाएंगे और जैसे इसके अंदर घुसेंगे ये इसकी पिक्चर, मतलब मटकी जैसा शेप. ठीक है ना, ये इसके अंदर आकर के ट्रैप हो जाएगा और वो उसको प्लांट जो है डाइजेस्ट कर लेगा. ओके, नंबर सेकेंड, द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स आर कवर्ड विद अ हेयरी लाइक शाइनी सब्सटेंस विच प्रोड्यूस अ स्टिकी जूस. This sticky juice entraps insect and they are soon digested. इसका आंसर है sundew. देखो उल्टा सीधा लिखा हुआ है, इसका आंसर है sundew. अब देखो ये वाली जो है ना, ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, इसके अंदर बहुत शाइनी हेयर्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं, देखो आपको चमकता हुआ दिखाई देगा. ठीक है, ये जो है इसमें मतलब जूसी जूसी शुगरी जूसी जैसा है ना कुछ नेक्टर टाइप का होता है, जिससे इंसेक्ट जो होते हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. देखो लेकिन दिस स्टिकी जूसी इंट्रैप्ड इंसेक्ट एंड दे आर सून डाइजेस्टेड. ठीक है, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और एक बार जब ये इसके ऊपर आ जाते हैं तो क्या होता है, वो चिपक जाता है. चिपकने के बाद में प्लांट इसको डाइजेस्ट कर लेता है, खा लेता है. ठीक है, तो इसका नाम है सनड्यूज. तीसरा, थर्ड वन इज, द लीव्स ऑफ दिस प्लांट हैव ब्लेड्स, दे फोल्ड टूगेदर एंड एनक्लोज द इंसेक्ट, अ रेड सैप डाइजेस्ट द बॉडी, द प्लांट डाइज आफ्टर कैप्चरिंग 3 or 4 इंसेक्ट्स. इसका नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप. ये आप लोग थर्ड क्लास में भी शायद पढ़ चुके होंगे. ठीक है, ये देखो दिख रहा है, इसके अंदर बताया ना, इसके ऐसे लंबे लंबे से जो होते दांत होते हैं, है ना, तो ये क्या करता है, जैसे ही इसके अंदर वो इंसेक्ट आता है ये क्लोज हो जाता है. जैसे इसके अंदर इंसेक्ट आएगा वो क्लोज हो जाएगा और इंसेक्ट को अंदर दबा लेगा, और इसका जो रेड पोर्शन जो होता है वो जो इंसेक्ट होता है उसकी बॉडी को डाइजेस्ट कर लेता है. लेकिन 3 or 4 इंसेक्ट खाने के बाद में प्लांट मर जाता है, इसकी इतनी ही जिंदगी होती है. ठीक है, नंबर 4, दिस प्लांट लुक लाइक्स अ स्ट्राइकिंग कोबरा, द नेक्टर इन द टंग अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट, इट ड्रॉप्स इनटू वाटर एट द बॉटम ऑफ द हुड एंड इज डाइजेस्टेड. इसका नाम है कोबरा प्लांट. ये देखो आपको दिख रहा है, ये टंग मतलब ये जैसे निकली हुई है ना इसकी, जैसे कोई सांप जो है अपनी जीभ निकाल के बैठा हुआ है, ये जो इसमें शुगर लगा हुआ होता है इसकी तरफ कीड़े जो मकोड़े जो होते हैं या इंसेक्ट जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, इसके अंदर जाते हैं. इसका वीडियो मैं शेयर करूंगी मैं. ठीक है, इसके अंदर जाते हैं, इसके नीचे ऐसे आकर के वो पानी के अंदर उसको ड्रॉप कर देता है ये, और उसको खा लेता है. जो उसका पूरा नीचे का जो पार्ट होता है पानी में होता है, उसके थ्रू वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है. नंबर 5th एंड लास्ट, दिस वाटर प्लांट हैज हॉलो ट्रैप दैट कैच एनिमल्स सच एज वॉर्म एंड वाटर फ्लीज. इफ एन इंसेक्ट टचेज द ब्रिस्टल ऑन इट्स डोर, द ट्रैप ओपन्स एंड स्टक द इंसेक्ट इन. ये दिख रहा है आपको, इसको हॉलो मतलब वो दिखाई